थैंक यू सो मच तनिष्का सर, एक के बाद एक एक्सपर्ट होते जा रहे हैं कीर्तन के अंदर. थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस कीर्तन. गुरुराज विल बी सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू डूइंग सच नाइस कीर्तन. आई कैन अश्योर यू ऑफ दिस. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. सो वेलकम डियर डिवोटीज. सो वी हैव आवर फ्राइडे सेशन ऑन लीलामृत. सो विल स्टार्ट. आज लोग कम है, बारिश है इसलिए लोग कम है. सोच रहा था जब मैं अभी तैयार होते हुए, मैं लग रहा था देखिए बारिश है, ऑनलाइन का कितना फायदा है, चाहे बारिश है आंधी है तूफान है, ये ऑनलाइन का सेशन हमारा चलता रहता है. इट हैज नो कॉन्सिक्वेंस, यू नो, ट्रैफिक नो ट्रैफिक, मौसम अच्छा मौसम खराब. सो थैंक यू सो मच. सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास. हाउ डू वी वांट द क्लास टू गो? पिछले बार हमने क्या किया था रोनी प्रभु? वी शेयर्ड द पीडीएफ और डू आई डू स्क्रीन शेयरिंग? क्या चाहते हैं? स्क्रीन शेयरिंग प्रभु, वी डिड स्क्रीन शेयरिंग. वी डिड स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है. किंडल विल डू स्क्रीन शेयरिंग. सो अपने जो है स्टार्ट करते हैं लीलामृत का सेशन. नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. So, once. प्रभु हमने उससे शेयर किया था वेदाबेस से. That was easy. Kindle प्रभु, you we eventually did from Kindle for because of the highlights. Okay.
सो एनीबडी रिमेम्बर्स हमने पिछली बार हमने क्या किया था, हमने क्या पढ़ा था पिछली बार, किसी को याद है कि सब हमारा शुभंतर हो गया? Let me ask this one. Okay. कमल प्रभु क्या किया था हमने पिछली बार, आपको याद है पिछले फ्राइडे को हमने लीलामृत में क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को एग्जैक्टली पूरा याद तो नहीं है इस टाइम, वही एक पॉइंट बता दीजिए, एक पॉइंट। सच में इस टाइम में बिल्कुल ही बिल्कुल दिमाग से स्किप कर गया एकदम। मैं अभी एक्चुअली अपने नोट्स उठाने ही जा रहा था, अपने नोट्स उठाने ही जा रहा था मैं, सॉरी मैं दोनों नोट्स नहीं उठा पाया अपने। आप उठा लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी और मेरी याददाश्त हम दोनों की एक जैसी है। सॉरी प्रभु जी, आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। यस अशोक प्रभु, फर्स्ट दे रेज द हैंड। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, मैंने पॉइंट्स लिखे थे, मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि सीक्वेंस वाइज, बट आई कैन रीड टू पॉइंट्स लिखे स्ट्रक्चर फ्रॉम। बताइए। जैसे प्रभु जी एक पॉइंट था कि यू शुड नेवर फील अलोन, कृष्णा इज ऑलवेज विद अस एज सुपर सोल एंड ही करेक्ट ही इज ऑलवेज विद अस एज सुपर सोल। थोड़ा सा जोर से बोलिए अशोक प्रभु, आई कांट हियर, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्रभु जी। फर्स्ट पॉइंट पर प्रभु जी, नेवर फील अलोन, वी शुड नेवर फील अलोन, कृष्णा इज ऑलवेज विद अस एज सुपर सोल। Correct. That's the first point. And second one, Prabhupada is always praying for everyone, like yes. A grandfather loves his grandchildren. Oh. That was one. And the third point was, service. Through service, we can please Prabhupada and we can also get blessing from the parampara. Yes. Yes. Thank you, Prabhu. Yes. Or anybody else? Yes, Ronnie Prabhu. Prabhu, we also read that to write transcendental literature, one has to be qualified, or not qualified is the right word, but enabled, especially abled in a sense that we should have blessings of blessings. Guru, Vaishnavas, Parampara, tabhi hum kuch jo Vaishnava literature hai likh sakte hain. Yes, very important. Yes. Or anybody else? किसको याद है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, टू मोर पॉइंट्स प्रभु जी। एक वन वाज दैट रिलेशनशिप विद गुरु इज इटरनल, आवर रिलेशनशिप विद गुरु इज इटरनल, दैट वाज आल्सो डिस्कस ड्यूरिंग द डिस्कशन। ओके, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, गुरु इज इटरनल, आवर रिलेशनशिप गुरु इज इटरनल। यस यस यस, thank you so much, our guru relationship with guru is eternal. One more point was, ha boliye. hari krishna prabhu ji ek point ye tha ki jo hum service karte hain krishna ke liye to usse hum prabhupad ke touch mein, prabhupad ke alawa hum jitne bhi acharyas hain jo hamare jo hamare gauriya vaishnav parampara hai hum unke sath connected rehte hain, जितने भी आचार्याज हैं वो हम उनकी शेल्टर में रहते हैं, ये पॉइंट था। और प्रभुपाद जी ने बोला था कि आई एम ऑलवेज विद यू बाय टीचिंग ऑफ प्रभुपाद, वी ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड विद हिम विद आवर गॉड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यस, थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू सो मच फादर। ओके, और नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक वी ऑल्सो ब्रीफली टॉक्ड अबाउट श्रीला प्रभुपाद्स अर्लियर स्ट्रगल्स इन सेटिंग अप द मिशन ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट, सो वी ब्रीफली वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ ही स्ट्रगल्ड एंड हाउ वी शुड रिमेम्बर हिम इन टर्म्स ऑफ हिज स्ट्रगल एंड एस्पायर टुवर्ड्स सिमिलर लेवल्स ऑफ ऑस्टेरिटी इन आवर सर्विस टुवर्ड्स भगवान। हरे कृष्णा। यस सौरभ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, वी आल्सो डिस्कस्ड मींस यू मेंशन अबाउट, थोड़ा जोर से बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा
Proji, ISKCON is nobody's property, and we all are caretakers of ISKCON, and guru means a good disciple. That is the meaning of parampara. Yes, very good. That is another important point. ISKCON is not ISKCON is nobody's property. ISKCON is Prabhupada's property. It is not a nirvishesha. So it is Prabhupada's property. It is Prabhupada house, and we are all the gurus. Everybody, including us, we are all caretakers. We are trying to decorate that house for the pleasure of Prabhupada. We are trying to expand the house so everybody can live in this house like this. Very nice. Yes, Shivani Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dhanvat Pranam. Hare Krishna. We started the class by discussing how Satsvarup Goswamiji took the blessings of Krishna before writing Prabhupada Lilamrit, and took the blessings of Parampara as well. So then he wrote Prabhupada Lilamrit in such a way that it is not for praising Prabhupada. It is the actual reality of Prabhupada, how he was and how he is connected to Parampara. Ye bahut zaroori point hai. Thank you, Shivani Mataji. Ki ye Lilamrit aise nahi likhi gayi hai ki ye hamare acharya hain. और इनको इनको फ्लैटरी किया जाए या बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में बताया जाए, यू नो, ऐसा नहीं है. इट्स अ ट्रू एंड बायोग्राफी ऑफ श्रील प्रभुपाद. और सो इट इज नॉट रिटन इन अ फ्लैटरी मूड, बट अ रियल बायोग्राफी. हिज स्ट्रगल्स, यू नो, ऑल द थिंग्स हैव बीन गिवन. इट इज नॉट लाइक दिस. और मेघा माता जी ने लिखा है चैट के ऊपर कि प्रभुपाद लीलामृत बुक इज अ स्पिरिचुअल बुक. It is not based on mundane point of view. Prabhupada wrote 7,000 letters. Yes, thank you, Mataji. Then Ronnie Prabhu has written, we also read, it is a bona fide literature and it is not a mundane literature and not put in one-sided way glorifying Prabhupada just because it is coming from ISKCON. Proof of this is vast amount of detailing. Yes, this is Shivani Mataji ne bhi bola. Aur Megha Mataji likh rahe hain, yes, His Holiness Satsvarup Maharaj, Goswami Maharaj has written this. Yes, so now थोड़ा सा हमारा refresh हो गया. Yes, इतने सारे point आ गए. So वो कहाँ है हमारे कमल प्रभु? कमल प्रभु को notes मिले आपने? कमल प्रभु? Is Kamal Prabhu there? I can't see. He's there. कमल प्रभु कोई point? He can't hear. Okay, maybe he's not there. He said, "ठीक है, so we'll take another." So आज का हम अध्याय शुरू करते हैं. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अब मुझे देखना पड़ेगा कि हम कहाँ थे. No problem. I'll share. Okay, so here we are. One second, just to see. हमने पिछली बार alone practice so much by chanting. I think हम यहीं थे कहीं. I think यहीं से शुरू करना था हमने. We follow Prabhupada. So I'll read from here only. I don't remember. Okay, Prabhuji. वैसे ये हो गया था. कहाँ से? अच्छा कहाँ से करना था? Ashila Prabhupada. कहाँ से करना था? बताइए. हाँ, could be this because. So I'll quickly read it. It just brings. Speak it, please. Okay. So reading. We follow Srila Prabhupada to San Francisco's Haight Ashbury during the hippie heyday of 1967 as he establishes his Krishna conscious movement there, just as he had done in New York City. Then in 1967, May of 67, he appeared to suffer a heart attack and retired to India to recuperate. ये प्रभुपाद का हमेशा था. आप देखेंगे प्रभुपाद की लीलामृत में कि प्रभुपाद जब भी बीमार पड़ते हैं आप देखेंगे दैट ही वुड रिटर्न बैक टू इंडिया और ही वुड लाई इन द सन और हमेशा ठीक होने के लिए वो भारत ही आते थे वापस. ये प्रभुपाद का हमेशा देखेंगे आप. सो ओके, इट बिकेम इवन क्लियरर दैट द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट its life and its growth depend entirely upon him.
although a few dozen sincere workers were dedicated to his service, they felt helpless and incompetent to do any missionary work, or even to maintain their own spiritual vows, to abstain from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, unless he were personally present to lead them. In December 1967, Srila Prabhupada returned to America and his young spiritual family. As Srila Prabhupada would comment several years later, his movement didn't really begin until his return to America in December 1967. His time was limited. He knew the heart attack had proven that now, in whatever time was left, he had to accomplish his mission. And as his International Society for Krishna Consciousness began to grow, it gradually spread beyond its simple and sometimes humorous beginnings to become a spiritual institution, considering noteworthy even among the world religions. क्योंकि जो शुरू का टाइम था सारा एक्सपेंशन का और जिस तरह के भक्त आए, अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कैसे कि जब वो भक्त आए और उन भक्तों ने किस तरह से प्रभुपाद के जस्ट आउट ऑफ ए फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टू प्रभुपाद व्हाट दे डिड. और आप लोगों में से जिन्होंने श्याम सुंदर प्रभु की वो पढ़ी है बुक रनिंग catching rhino with the Swami, you see the devotees that time were so, what should I say, new and innocent, and they did much mistakes, but everything was settled because of their love for Srila Prabhupada. Main thing was their love for Prabhupada, which carried everything for them. So this was the main thing which proved how successful the movement began. Even though people were new, they had no idea, but unke pyar ki wajah se, Prabhupada se, attachment ki wajah se, they did things which were miraculous. Aur isme likha hai, dekhiye, and became a spiritual institution considered noteworthy among even world religions. So kal parso bhi main dekh raha tha, Ramadev Prabhu ne ek message dala hua tha kaise ki ek American jo kya keh sakte hain, jo ambassador, he had done some, what should we say, some conference on world religion because of Ramzan. उसके ऊपर कुछ उन्होंने रखा हुआ था और उसमें टू रिप्रेजेंट हिंदूज वर वन ऑफ इस्कॉन डिवोटीज, यू नो, लाइक दैट. सो ये अब देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे इट टुक टाइम, बट नाउ द टाइम हैज कम. पहले बोलते थे विदेशियों की संस्था है और अब हिंदू बड़ी जगह बाहर भी जो to represent Hindu, they call ISKCON devotees, because they find they are the true representative of Hindu religion, like that. So, aage padhte hain. In the present volume, we follow Srila Prabhupada through the years of his greatest active participation in ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, as its sole leader. In 1968, Srila Prabhupada had approximately 50 disciples and 6 ISKCON centers. So, ek saal ke baad kya hua? Jab Prabhupada wapis aaye 67 mein, after the heart attack, he came back, and then within 1 year, he had 50 initiated disciples and 6 ISKCON centers. Although his followers have increased their numbers, most of them are no more than sincere neophytes. So, what is important here? Is not the word neophyte, but is the word sincere. But is more important is sincere. So, agar hum sincere hain, hum Prabhupada ki, apne Guru Maharaj ki, aur Guru Parampara ki, theek se seva kar sakte hain. So, what is required is only one word, sincerity. We should be sincere. Which means quality is not the parameter. What is required is sincerity. Like that. Prabhupada is personally present
Prabhupada is personally available to each of his disciples and he continues to manage and maintain his ISKCON center. Because bhakt bahut kam the, 50 initially devotees hai, so Prabhupada could guide every one of them. So unko guidance dene ke liye wo swayam maujood the. Then in July of 1917, Srila Prabhupada forms his GBC governing body commission. जैसे उनकी गुरु महाराज की इच्छा थी गौड़िया मठ के लिए पर वो हो नहीं पाया था बट प्रभुपाद ने देखिए अपने रहते रहते इमीडिएटली ही मेड ए ए कमेटी और ए टीम टू मैनेज ISKCON और आप देखिए उस ISKCON कुछ भी नहीं था व्हाट वाज ISKCON दैट टाइम नथिंग और पर उन्होंने उनको मालूम था कि उनको उनके गुरु महाराज को एक प्रॉब्लम आई थी क्योंकि उनके उन्होंने बाद में बोला था कि मेरे जाने के बाद आप एक जीबीसी बनाइएगा गवर्निंग बॉडी कमीशन जो मैनेज करेगा गौड़िया मठ को पर उन्होंने बात नहीं मानी और सारा गौड़िया मठ टूट गया तो प्रभुपाद ने अपने रहते रहते ही बल्कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही फॉर्म दिस गवर्निंग बॉडी कमीशन एंड बिगिंस टू टर्न ओवर ISKCON मैनेजमेंट टू हिज बोर्ड ऑफ जीबीसी सेक्रेटरीज और उन्होंने जो उसका जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने उसके जो जीबीसी सेक्रेटरीज हैं जो भी उस वक्त सीनियर डिवोटीज थे ही गिव इट टू देम येट वी फाइंड प्रभुपाद स्टिल एक्टिवली गाइडिंग The activities of his society expanded by 1971 to 600 disciples and 65 centers. So, हमने पढ़ा कैसे 68 के अंदर 50 disciples और 6 ISKCON center. और वो center भी थे, they were also like one room kind of things. They were not जैसे हम सोचते हैं अभी भव्य मंदिर ऐसे नहीं है. They were just simply one room storefronts, you know. और तो 1968 से और फिर 69, 70, 71 तीन साल में कितने हो गए देखिए 600 डिसाइपल और 65 सेंटर्स आप सोच सकते हैं कि हमारी गति क्या है देखिए वहां पर टेंपल भी है गुड़गांव के अंदर और आज मैं उनकी ग्लोरिफिकेशन पढ़ रहा था गोपाल कृष्ण महाराज की सर्वभौमा प्रभु कह रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो दिल्ली है धरती है ये यहाँ पर जो परीक्षित को बचाया था कृष्ण भगवान कृष्ण ने वो दिल्ली में ही थे हस्तिनापुर उन्होंने बोला इसीलिए 10 डायरेक्शन के अंदर 10 मंदिर बने हैं यहाँ दिल्ली के अंदर सो आप देख सकते हैं कि जो मैजिक शुरू हुआ दिस मैजिक इज बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु बिकॉज सेनापति भक्त काम एंड नाउ चैतन्य महाप्रभु डिसाइड यस यू नो जैसे हम पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी में जैसे गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज एवरीथिंग सो सिमिलरली Chaitanya Mahaprabhu said, now time has come. So now let's start the magic. And magic started. He read out of nowhere. You can see the growth. Can you appreciate the growth? 67, hardly anything. 68, 50 disciples, 6 centers. Or 71, 600 disciples and 65 centers all over the world. Now, kitne papad bel rahe hain, kitne saal se preaching kar rahe hain. Ab dekhiye that, so this is the power of parampara. If parampara comes behind, then nothing is impossible. Then desires of Bhagwan, jitni bhi desires hain, then as an instrument, nimit matra banke, everything is possible. Although the teachings aage badhte hain, although the teachings of Krishna consciousness have existed, although the teachings of Krishna consciousness have existed since time immemorial within India's Sanskrit literature, and are the origin and essence of all religious expressions. Until Srila Prabhupada began his preaching, Krishna consciousness in its original purity had never been widely spread. ये हम सबको मालूम है कैसे कि प्रभुपाद के विदेश जाने से पहले ये जो भक्ति है जो कृष्ण भक्ति है या जो भागवत धर्म है वो जो था वो तो सदियों से है बल्कि eternal है नित्य है पर जो उसका जो उसको जो पूरे विश्व में फैलाया वो श्रीला प्रभुपाद ने फैलाया सारे विश्व में इन द मोस्ट पॉपुलर एंड बेसिक वैदिक टेक्स्ट भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा टीचेस दैट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड दैट रियल रिलीजन रियल नॉलेज एंड रियल एंडेवर कैन बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन वन डेडिकेट्स हिज लाइफ टू द लविंग सर्विस ऑफ गॉड सो दिस इज द मैजिक यू सी मैजिक क्या है देखिए क्या कह रहे हैं रियल रिलीजन रियल रिलीजन मतलब सनातन धर्म या असली धर्म और असली नॉलेज और रियल एंडेवर क्या है
can be only be understood when one dedicates his life to the loving service of God. So, if you want to understand real religion, real knowledge, real endeavor, what we have to do? We have to dedicate one's life to the loving service of God. So that's what Srila Prabhupada did for us. Only full surrender to the Supreme. ये अलग अलग कलर में है मेरे हाईलाइट पर आपको इसका किंडल में यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सब येलो येलो नजर आता है बट ऑन माय फोन दे आर इन डिफरेंट कलर्स सो ओनली फुल सरेंडर टू द सुप्रीम कैन ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम द लॉज ऑफ कर्म एंड साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ सो देखिए क्या कह रहे हैं केवल पूर्ण रूप से शरणागति ही हमें जो है ये कर्म के जो बंधन है उससे मुक्ति दिला सकती है और ये जो दरवाजा है हमारे लिए ये प्रभुपाद ने खोला क्योंकि हम तो पूर्ण रूप से जो है शरणागत नहीं है बट क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं सिंसियरली देन प्रभुपाद हैज ओपन द डोर फॉर ऑल ऑफ अस टू गो बैक टू गॉड श्रीला प्रभुपाद वाज कन्विंस्ड दैट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा इज लाइफ्स गोल एंड active participation in ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, as its sole leader. तो बता रहे हैं कि जो शुरू के जो प्रभुपाद के जो years थे कैसे he was the only sole leader and guiding force. You can imagine somebody who is 70 plus, somebody who is 70 plus is doing all this. Is not being done by some 24-year-old person, but it is being done by a 72, 73, 74-year-old man who had two heart attacks, rather three. दो तो उनको आते हुए जलदूत में हुए, और एक 1967 में हुआ. So after third heart attack, he is the sole leader. और आप लोगों में से जिन्होंने वो देखी है हरि कृष्णा movie, what is the name? The magic, the movie, the mantra, the Swami who started it all. वो आप देखिए तो आप देखेंगे कि कैसे एट व्हाट एज इट स्टार्टेड एंड हाउ इज गाइडिंग यंग पीपल हु आर इन 19 ईयर ओल्ड 18 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड 22 ईयर ओल्ड एंड देन मेक देम डू सो मच इट इज अमेजिंग इट हैज नेवर हैपेंड इन लास्ट 1000 इयर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री आगे पढ़ते हैं इन 1968 श्रील प्रभुपाद हैड एप्रोक्सीमेट सॉरी आई वेंट बैक Srila Prabhupada was convinced that devotional service to Lord Krishna is life's goal and that to engage others in devotional service is the highest welfare activity. So, highest welfare activity is to engage others in devotional service. So, he did the highest welfare activity which could be done possible in this material world was done by Srila Prabhupada. And these convictions drove him in his traveling and preaching on behalf of spiritual master and Krishna. So what was driving him? His convictions. ये हम जानते हैं कि कैसे I think it was Navi Yugendra Maharaj एक बार बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद एक बार अपने गुरु भाइयों से बात कर रहे थे और उनसे एक जो गुरु भाई है प्रभुपाद का उन्होंने बोला कि आपको मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है कि पूरे विश्व में हर गांव में मेरा नाम स्प्रेड होगा तो आपको यकीन है कि कभी वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो उन्होंने बोला महाराज जा रहे थे कि सब प्रभुपाद के जो दूसरे गुरु भाई थे जो देख रहे थे उन्होंने बोला कि हाँ जो क्योंकि वो भगवान है और जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो जरूर पूरी होगी और फिर थोड़ी देर रुक के प्रभुपाद ने बोला उनको तब प्रभुपाद ग्रस्त थे उन्होंने बोला पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके थ्रू नहीं होगी So it is not like a sarcastic remark, but because it shows कि जो प्रभुपाद थे उनको इतना इतना faith था इतनी श्रद्धा थी हाँ कि अगर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला है तो वो जरूर पूरा होगा क्योंकि वो भगवान है और भगवान के जो शब्द है जो भविष्यवाणी है वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती So it was his conviction. So we can also see what is our conviction. One conviction is of Prabhupada, who drove him to go to a foreign land, एक विदेश में जाके
और बिना किसी पेनीलेस, he was virtually पेनीलेस, वो सिर्फ उनके पास श्रीमद् भागवतम के प्रिंटेड सेट्स थे जिनको बेच बेच के वो अपना जो है गुजर बसर करते थे, और कहां से वो एक या दो डिसाइपल से 50 से 600 से अंत में मोर देन 5000 डिसाइपल्स ही हैड एंड ओपन 108 टेंपल्स एज वाज गिवन इन हिज हॉरोस्कोप. सो व्हाट ड्राइव्स अस इज आवर कन्विक्शन and that drove him. All his preaching, all traveling, or for whom? For on behalf of his spiritual master. So similarly, we should also see हमारी conviction क्या है, और हम श्रीला प्रभुपाद के mission के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए हम क्या कर रहे हैं. And जैसे कल निताई प्रभु भी बोल रहे थे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा कार्य करना है और हर बॉल पे जिसे बोलते हैं वी वांट ईच क्रिकेटर बैट्समैन टू हिट 4 or 6 ऑन एवरी बैट्समैन लाइक ए T20 मैच, नॉट लाइक दैट, बट रादर वी हैव टू डू हमारे जो इन्फ्लुएंस है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, दैट शुड बी यूज्ड प्रॉपरली. देखिए पूरे विश्व में तो श्रील प्रभुपाद ने करा दिया, उन्होंने तो सारा जो भगवान का नाम था विश्व के कोने कोने में करा दिया. आज 650 से ज्यादा मंदिरों में हर रोज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है पूरे विश्व में, और कहीं भी हो तो आप देखिए कहीं भी एवरी टाइम. और ऑलमोस्ट उस दिन पढ़ रहा था कि कम से कम नहीं तो 500 या 600 से ज्यादा जगन्नाथ यात्रा निकलती हैं हर साल. तो आप सोच सकते हैं कि हर रोज कहीं भी 2 जगन्नाथ यात्रा निकलती हैं पूरे विश्व में. अभी तो लॉकडाउन पीरियड है बट बिना लॉकडाउन के दिस वॉज द स्टेटस. सो ऑल दिस वाज ड्रिवन. So, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो एरिया, क्योंकि हम we don't have that potency, but because we are connected with Prabhupada, so Prabhupada की कृपा से हम अपने इलाके में हम यहाँ गुड़गांव में सेक्टर 4 सेक्टर 9 ये MG Road यूनिटेक जहाँ जहाँ भी हमारे इन्फ्लुएंस है वहाँ वी शुड गो ईच एंड एवरी पर्सन और उनको हम हाथ जोड़ के विनम्र भाव से यही कहना है कि आप भगवान का नाम लीजिए. और कोई हमें फिलोसफी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को यही कहना है कि आप इस कलयुग में जो भगवान का नाम है वही सब कुछ सार है, तो आप भगवान का नाम लीजिए. इसी से जो है जो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं या प्रभुपाद हैं, वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे. और हमने वो कहानी भी पढ़ी है, सबने सुनी है, वो गिलहरी की जो श्री राम जब भगवान राम अपना वो ब्रिज बना रहे थे तो कैसे बंदर कुछ हंसते हैं कि वो छोटे छोटे कन लेकर आ रहे हैं, और जो वानर है वो बड़ी बड़ी चट्टाने लेकर आ रहे थे, बट जो जब वो श्री रामचंद्र को पता चलता है सो दे प्रेज़ेस दैट गिलहरी स्क्विरल को और बोलते हैं कि जितना फल इन वानरों को मिला है उतना ही इस गिलहरी को मिला है, क्योंकि जो उसके बस में है वो कर रही है. सो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो नॉट फील वी हैव टू बिकम अ वेरी वेरी बिग प्रीचर, एवरीबडी नोज वी आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, नॉट लाइक दिस, बल्कि जो भी हमारे आसपास में है वी हैव टू जस्ट गिव देम द मैसेज. अगर हमने सबको मैसेज दे दिया आवर रोल, प्रभुपाद बोलते हैं हमारा डाकिये की तरह जाना है, पोस्टमैन की तरह, और मैसेज देना है बिना शर्माए हुए हाथ जोड़ के विनम्र भाव से, एंड आवर रोल इज फिनिश्ड, दैट इटसेल्फ इज वेरी गुड सर्विस. सो आगे बढ़ते हैं. श्रील प्रभुपाद सक्सेस इन स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस was due to his being directly empowered by the supreme personality of God. So directly empowered means one is a shaktya vesh avatar. Anybody who is empowered, empowerment comes from Krishna. और ये देखिए चैतन्य चरितामृत से ये श्लोक कोट कर रहे हैं, कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन. इसका मतलब है the fundamental religious system in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate Sankirtan movement. क्योंकि ये जो हरिनाम संकीर्तन कहाँ से आया है? गोलोक के रंग प्रेम का हरिनाम संकीर्तन रतन दास साधु बोलते हैं. So it is not from here. It has come from गोलोक वृंदावन. So वो कह रहे हैं कि कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार करो. क्योंकि भगवान कृष्ण की एम्पावरमेंट उनकी चित्त शक्ति के बगैर ये किसी के बस में नहीं है कि इसको फैलाए.
आगे लिखते हैं प्रभुपाद, आगे पढ़ते हैं, सॉरी पैराग्राफ में, येट ऑल्दो श्रीला प्रभुपाद वाज एम्पावर्ड, हिज लाइफ स्टोरी इज नॉट वन इन हिज सक्सेस कम्स नीटली एंड ऑटोमेटिक, एवरीथिंग बीइंग मिरेकुलसली डायरेक्टेड बाय गॉड. तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ कि छू मंतर हुआ और सब कुछ हो गया, बट ही हैड टू स्ट्रगल सो मच टू शो अस द वे. Why Krishna makes his devotees like Pandavas, Pandavas ke sadhan dekhte hain, kitna hua, kaise unko 12-13 saal banvas mein jana pada, ek saal agyatvas, kitna kasht sehna pada Draupadi ko, Kunti Maharani ko. Why? To show us what a devotee, jo unke jo bhakt hain, unki seva ke liye kahan tak jane ko tayar. So isi tarah se jo empowered devotees hote hain, then Krishna make them an instrument so that we feel inspired. Agar sab kuch jadu mantra se, chu mantra se ho jayega, to hum sochenge ki theek hai, ये तो भगवान के बड़े भक्त थे, इनके पास भगवान की शक्ति थी और इन्होंने एक जादू करके सारा कुछ कर दिया, पर हमारे में तो ऐसा नहीं है. बट जब हम इनका स्ट्रगल देखते हैं, जब हम प्रभुपाद की देखते हैं, हाउ मच ही स्ट्रगल, ही इज हैविंग हार्ट अटैक्स, ही इज हैविंग थेफ्ट, ही इज हैविंग इश्यूज विद द डिसिपल्स एवरीवेयर, और उन सबके अंदर भी वो अडिग होके धीर पुरुष की तरह वो चलते रहे और कैसे अपने जो लक्ष्य है उससे डिगमगाया नहीं. So then we feel inspired. Oh, if he did something like this, then we should also do. I mean, like that. Thoda sa hame bhi, thoda sa hoja, hame bhi uthana chahiye. Like this. So Srila Prabhupada's story is one of constant attempts on behalf of his spiritual master. So we should also have this line: constant attempts. We may fail, we may not be able to do much, but we should never give up that attempt. Yes, we have to serve the lotus feet of our spiritual master and our founder Acharya. Successes come, but only after great endeavor and faith. Successes will come only after great endeavor and faith. आगे लिखते हैं, Prabhupada encountered difficulties in trying to spread love of Godhead in a godless world. He sometimes met opposition from governments, the media, the religionists, including those in India. बल्कि मैं बता देता हूँ, जितना उनको बाहर चर्च से नहीं आया, उससे ज्यादा जो उनको जो ऑपोजिशन है वो अपने ही घर में आई. यहाँ पर पीपल वर वेरी एनवियस ऑफ हिम, एंड इवन विद हिज ओन सोसाइटी ही मेट डिफिकल्टीज कॉज्ड व्हेन हिज नियोफाइट डिसिपल फेल टू द एलोरमेंट्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. और क्योंकि भक्त नए थे और बड़े यंग थे, यू कैन अंडरस्टैंड समबडी जस्ट 19, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, सच यंग पीपल. And many fell down because they could not sustain that, what should I say, that sadhana required to remain. इसको बोलते हैं, प्रभुपाद इसको बताते हैं, with an iron in the fire. So as long as we are following everything and we are following the instructions of the acharya or the guru, then we are like fire, iron in the fire. जैसे लोहा अग्नि में होता है, so after some time, then the jo loha hai wo garam ho jata hai, it also develops the properties of the fire, it becomes. So similarly, though we are material, but if we follow the instructions of our guru, our founder acharya, then we are also like iron in the fire. But agar we don't follow our sadhana properly, we don't follow or try to follow the mood and mission of Prabhupada, then we are out of the fire, then we are just iron. So we should always remember to always be in the fire. Yet though, आगे लिखते हैं, yet through all difficulties, Srila Prabhupada persevered with the sublime tolerance, kindness, unflinching determination of a pure devotee of Krishna. So देखिए क्या qualities चाहिए, ये तकलीफें सबको आती हैं, कठिनाइयां सबको आएंगी, but Prabhupada, what he did, this tolerance, kindness and unflinching determination, these are required. To go through the fire and do some nice service to Krishna. आगे लिखते हैं, by material standards, it is extraordinary that a person of Srila Prabhupada's age could constantly travel, confront problems and opposition, and simultaneously produce volume after volume of translated Vedic literature. ये हमने पढ़ा, आप लोगों में से जो लोग हम श्रुता कीर्ति प्रभु के लेक्चर अटेंड कर रहे थे, वो कैसे बता रहे थे कि नहीं, इमेजिन कि वो जो 25 साल के जो डिवोटीज हैं, जो सन्यासी हैं, वो बोलते थे कि हमें जेट लैग हो गया है,
और जो प्रभुपाद हैं जिनकी 75 साल की आयु है वो जहां भी जाते थे नॉट वंस और ट्वाइस अनबिलीवेबल दिस इज बीइंग महात्मा नाम से माम पार्था देवी प्राकृति आशक्ता you are in the shelter of the spiritual energy of the Lord. So then you can transcend old age. The jara hai, you can old age one can transcend. So Acharya is showing through the practice. Kalpa ko ye nahi keh sakta ki bada mushkil hai, ye to empowered hai, but he went through whole thing just to inspire us and show what a soul is capable. Not a soul, but any soul is possible. Because क्यों पॉसिबल है क्योंकि हर एक के हृदय में भगवान के लिए प्यार है एवरीबॉडी हैज लव ऑफ गॉड एट इन देयर हार्ट ओनली थिंग इज इट इज कवर्ड हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो कवर्ड है सो सिमिलरली उसको सिर्फ हमने साफ करना तो हम देखते हैं कैसे कि जहां जहां प्रभुपाद जाते थे आप सुनते थे कैसे कि प्रभुपाद जो है अगर कहीं पहुंचे हैं और वहां पर रात का 12 बजे है तो प्रभुपाद विल या 1 बजे है देन प्रभुपाद विल सेट हिज वॉच एट 1 o'clock एंड देन 1 o'clock व्हाट दिस विल डू ट्रांसलेशन सो विल गो ट्रांसलेशन या 5 बजे है 4 व्हाट इज द टाइम द 4 टाइम टाइम टू गो आउट फॉर अ वॉक सो विल गो आउट फॉर अ वॉक आप लोगों में से जिन्होंने विदेश की यात्रा की है आपको देखा है कि हम कहीं से होके आते हैं और अगर ज्यादा टाइम लाइन क्रॉस करते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट 2-3 दिन और मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ जब वो मेरे ब्रदर के यहाँ जाते हैं बाहर से वापस आते हैं अमेरिका से वो 1 हफ्ते तक उठते नहीं है उनको 1 हफ्ता लगता है वापस आने में बिकॉज दे से कि यू नो हमें नींद आ रही है और आप देखिए वो 74-year-old person did it he traveled across the world 14 times in 10 years and never once stopped his service to Krishna that is the meaning of Kirtanya Sadhana कीर्तन सदाहरी का मतलब ये नहीं है कि माला लेके चलते जाइए कीर्तन सदाहरी के बड़े सारे मतलब हैं और उसका जो एक जो उसका जो ट्रेलर है वो आपको प्रभुपाद ने दिखाया कैसे 12 साल में कीर्तन सदाहरी ना केवल खुद कीर्तन सदाहरी किया बल्कि जितने भी उनके डिसाइपल्स थे फॉलोअर्स थे उनसे भी कीर्तन सदाहरी कराया सो ही वाज एम्पावर्ड सोल शक्ति आवेश अवतार आगे पढ़ते हैं बट मटीरियल विजन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड श्रीला प्रभुपाद एक्टिविटीज ही वाज ट्रूली ए महात्मा एज डिस्क्राइब्ड बाय कृष्णा इन भगवद गीता द महात्मास आर ऑलवेज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ माय इंटरनल एनर्जी देवी माश्रम देवी प्राकृतम आश्रम इन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस श्रीला प्रभुपाद वाज फार फ्रॉम मेयरली ए रिलीजियस ज़ेलेट ट्राइंग टू इंक्रीज द सेक्ट हिज राइटिंग ट्रैवलिंग And preaching were done in pure devotion to Krishna. So he was not like a narrow-minded person who was trying to do something. But जो उनका जो भी उनका जो पूरा जो उनकी जो उनकी साधना थी वो सारी की सारी he was like a pure devotee of God of Krishna, and therefore it was a transcendental activity. It was not material in that. It was Krishna himself, Srila Prabhupada saw, who was bringing the result. ये भी जो है एक शुद्ध भक्त है ये प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम में चैतन्य चरितमृत में कि कैसे जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि मैंने किया इसका एग्जाम्पल बताइए we had long odds, 8:15. मुझे एग्जाम्पल बताइए शास्त्रों में से कोई एग्जाम्पल बताइए who saw कि I am not doing it, Krishna is doing it. So आप सोचिए मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ कहां तक हमारा आज का चैप्टर जाता है ओके पहले बताइए लेट्स वी मेक अ पॉज ज्यादा बोल दिया मैंने लंबा बताइए यस बिकेस मेघा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी आई थिंक प्रभु जी ये भागवत गीता में है एक श्लोक प्रकृति क्रिय मराणी मराणी गुणे करवाणी सर्वत अहम अहंकार आत्मा प्रथम अहम इति मन्यते वेरी गुड इसका ट्रांसलेशन बताइए माता जी दिस इज वेरी वंडरफुल वर्स ये हम लोगों के लिए माता जी मैं कुछ और पूछ रहा हूँ पर आपने बहुत सुंदर वर्स बताया है इसकी ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी ट्रांसलेशन नहीं प्रभु जी ये वाला मुझे इसमें थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि नहीं आप पढ़ के बताइए ये ओपन ओपन माता जी ओपन भगवद गीता
मतलब कि जितने भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर होते हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ आत्मा ये सोचती है कि वो सारे काम खुद करती है। मैं सुन नहीं पा रहा माता जी। प्रभु जी, am I audible? Yes, now I can hear. प्रभु जी, प्रकृति के जितने भी कार्य होते हैं प्रकृति के तीन गुणों के अंदर होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से प्रभावित आत्मा ये सोचती है कि ये सारे काम मैंने किए हैं। बस नंबर बताइए माता जी। एक प्रभु जी, मैं देखती हूँ। थर्ड चैप्टर में ये आई थिंक 13 पॉइंट। इट्स अ वेरी गुड वर्ड्स टू मेमोराइज। ओके, माता जी ने ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो माता जी ने बोला है, और मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये बताइए कि कहां हम शास्त्रों में, मुझे उदाहरण देके बताइए कि जहां पर somebody did something and he said मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, इसके उदाहरण दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वाला वर्स था 3.27, थर्ड वर्स 27, सॉरी थर्ड चैप्टर 27th वर्स। ओके माता जी, यस प्रभु, पढ़िए इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। इसका है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो एक है ये श्लोक है, ये क्या कह रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है एक्चुअली जो कार्य कर रहा है वो तीन मोड्स ऑफ नेचर कर रही है, दे आर डूइंग द वर्क, बट क्योंकि हम और गुणों में बंधे रहने के कारण हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मोड ऑफ नेचर है दे आर मेकिंग अस ड्राइव, बल्कि हम और हम सोच रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, जो मोड्स हैं ये हमसे करा रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन है, ये एक एक दिस इज वन एंड विच वेयर वी आर नाउ, अनदर एंड बिकॉज वी आर अंडर द डिवाइन शेल्टर ऑफ महामाया, सो वी आर थिंक लाइक दिस, ओह एवरीथिंग आई एम डूइंग, I am the controller, I am the doer, like this. और दूसरा जो एंड है वहाँ भक्त हैं जो देवी मात प्राकृतिक माश्रिता जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर है वो कार्य कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी एवरीथिंग इज डन बाई द विल ऑफ द लॉर्ड एंड दे आर ओनली ट्राइंग टू असिस्ट इन दैट सेवा ऑफ फुलफिलिंग द विल ऑफ द लॉर्ड लाइक दिस। तो इसके एग्जाम्पल दीजिए। ओके, अशोक प्रभु ने हैंड कर किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपने जैसे अभी थोड़ा जोर से बोले प्रभु जी, आई कांट हियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे तीसरी क्लास में पीछे जब हम पढ़ रहे थे बताया था, जब कृष्णदास कविराज ये लिखने जा रहे थे चैतन्य चरितामृत, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं लिखा, कोई कह सकता कि मैं लिखता हूँ, बट अंदर से ये परमात्मा ही मुझे प्रेरित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो वी कैन सी और वी कैन अंडरस्टैंड कि यस, दो ही इज राइटिंग, बट इट इज ओनली मतलब ही फीलिंग दैट लॉर्ड इज इंस्पायरिंग मी एंड ही इज राइटिंग। क्या बोला रोनी प्रभु, आई कुडंट हियर एनीथिंग, व्हाट डिड प्रभु सेड? ही सेड दैट प्रभु दैट इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट कृष्णदास कविराज गोस्वामी अबाउट लाइक अबाउट टू अप्रोचिंग एंड राइटिंग गोइंग टू राइट अबाउट चैतन्य चरितामृत दैट ही इज नॉट राइटिंग, इट इज सो ही इज नॉट राइटिंग। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है जो उसके ऑथर है, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो लिखते हैं कि मैंने नहीं लिखा है बल्कि किसने लिखवाया है, मदन मोहन, he gave it to everything to राधा मदन मोहन, कि जो है श्री मदन मोहन ने लिखवाया है, बल्कि जो उनकी आयु थी इतनी वृद्ध थे वो, और उनकी जो आंखें हैं वो पलके भी नहीं खोलती थी उनकी, और at that age he wrote, he was more than 100 that time, you know, when he wrote, और CC is a exemplary शास्त्र, you know, so very nice, that's a very good example, Ashok Prabhu, thank you, yes, Saurabh Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आई हैव थ्री एग्जांपल्स। एक दीजिए पहले एक। सो प्रभु जी, वन इज ऑफ शिव जी, सो व्हेन कृष्णा केम इन मोहिनी रूप, सो दैट टाइम ऑल द पास्टाइम हैपेंड कृष्णा, सॉरी शिव जी देन ग्लोरीफाइड कृष्णा, ही वाज नॉट एम्बैरेस्ड थिंक सिंस ही टुक इट कृष्णा
greatness. And उसमें मोहिनी मूर्ति फॉर्म में क्या हुआ प्रभु जी कैसे उन्होंने बोला सुप्रभु जी शिव जी गॉट बिविल्डर्ड यस दैट वे एंड देन मींस एज द कमेंट्री इज देयर दैट देन ही वाज नॉट एम्बैरेस्ड बिकॉज ही वेंट आफ्टर मोहिनी फॉर्म ऑफ लॉर्ड एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल हिज डिसाइपल्स एंड वाइफ दैट वे सो बट देन ही वाज प्रेजिंग द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड दैट वे सो ही saw Krishna in that. Okay, Prabhuji, but that is not proper application for what we are asking. It is not proper because we are asking somebody did something great and then offered it to and realized I have not done it, Krishna has done it. Like okay. That. Or number two, Nikali example. So Prabhuji, another was about Parikshit Maharaj. So he did this mistake of putting the snake around, no? Because we are saying, Prabhuji, somebody achieved something, you know, somebody achieved something great and then offered it to Krishna saying he did everything. Okay. Then Prabhuji, third example was also similar way. So then you think for 5 minutes. Then you think. Yes, Prabhuji. You understood what you are trying to say? Okay. So yes, Prabhuji. Come back to you. Think one more example. I will come back to you. Yes, Anita Mataji. I can't hear you, Mataji. Something Hare wrong with my audio. Can you hear her, Rani Prabhu? Hare Krishna. It's little low, but I can still figure it out. Hare okay. Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, ye Prabhupad ke ye anecdote hai. Jab Hare Krishna. Yes, Mataji, go on. Yes, Mataji, go on. Prabhuji, ये प्रभुपाद की anecdote है जब एक बार तमाल कृष्ण महाराज से मतलब प्रभुपाद एक verse explain कर रहे थे और प्रभुपाद ने वो verse quote करने को बोला तो तमाल कृष्ण महाराज was there and one devotee was there. तो वो आपस में एक दूसरे को देखने लग गए then प्रभुपाद start chastising them कि तुम लोग books नहीं पढ़ते हो and books are the basis that is very important to read books kyunki jo krishna hai wo khud aate the and wo dictate karte the ye jitne bhi commentaries hain aur aur tum log padhte nahi ho so it is very important to read yes Mataji, but again you see that he's not saying in that manner Mataji. Matlab he's chastising we are saying yes it is little bit we can relate but I'm looking for some direct examples, Mataji. Yes, Parmeshwar Mataji. Hare Krishna. प्रभुजी ये बलदेव विद्याभूषण ने जब वो गोविंद भाष्य लिखा था और तब yes. उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि ये मैंने नहीं गोविंद ने खुद लिखा है भगवान गोविंद देव जी ने लिखा है हाँ हाँ ये देखिए ये बहुत सुंदर एग्जांपल है कि जब जो वहाँ के जो जयपुर में जब एक पास टाइम है और वहाँ कैसे बोलते हैं कि जो गौड़िया वैष्णव है कि भाई आपके पास वेदांत सूत्र की जो है भाष्य नहीं है टीका नहीं है तो फिर कैसे जो बलदेव विद्याभूषण जो है ये लिखते हैं और उसका जो टीके का जो जो ग्लोरीफाई करते हैं तो ही से इसकी आई एम नॉट रिटर्न एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा यस दैट्स अ वेरी सूटेबल एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड नाउ सारा प्रपोरिता माता जी लाइक वी आर लुकिंग लाइक दिस दैट समबडी डिड ग्रेट बट ही सेड आई डिडंट डू एनीथिंग इट इज ऑल डन बाय कृष्णा यस Sorry, Jinder Prabhu. I can't hear. Okay, we'll go to the next one. Yes, Meenakshi Mataji. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, ma'am. Prabhuji, we can say that when Prahlad Maharaj start glorifying the Narasimha Bhagwan, then also he said that because of your mercy, I am able to glorify you. Is it the glorification of Narasimha? Hare Krishna, Prabhuji.
दोबारा बोलिए, आई डिडंट हियर। प्रभु जी जैसे प्रहलाद महाराज ने जब ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट करी थी, इनिशियली वोंट एबल टू, देन ही स्टार्ट ग्लोरिफाइंग नरसिंह देव, देन ही सेड दैट बिकॉज़ ऑफ योर मर्सी आई एबल टू ग्लोरिफाई यू, देन ही स्टार्ट सेइंग लाइक दैट, आई थिंक आई रिमेंबर ही सेड से दिस कि बिकॉज़ ऑफ योर मर्सी आई एबल टू ग्लोरिफाई यू। यस हां, वो आई थिंक आता है कि ही सेज यस माता जी दिस इज आल्सो देयर वी कैन से, बट यू सी लाइक आई वाज आई एम लुकिंग एट एग्जांपल्स जैसे जैसे परमेश्वर माता जी ने दिया कि कैसे कि सब बढ़िया काम करके सब लाइक ही डिड समथिंग, यस दैट पार्ट इज ऑलवेज देयर कि भक्त लोग कह रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं लाइक दिस, बट गिव मी सम एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू नो कि जहां पर समबडी डिड समथिंग अचीव समथिंग ग्रेट एंड देयर इज सेड ऑल डन बाय कृष्णास मर्सी, नॉट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बट विद अ कन्विक्शन। प्रभु कैन वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ माधवेंद्रपुरी व्हेन कृष्णा कम्स इन हिज व्हेन कृष्णा कम्स लाइक एज अ स्मॉल किड एंड फॉर द टू गिव हिम फूड टू गिव हिम प्रसादम एंड ही सेज दैट ही विल कम बैक लेटर एंड इवेंचुअली ही फाइंड्स अप द डीटी इन द फॉरेस्ट एंड द डीटी इज देन established and it is because of Krishna, he says. No, that was a dark interpretation. Let's see. Okay, who else is there? Amit Prabhu? Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, once I think Prabhupada has gone to UK and that time he said that I have come here to spread the, I am not the Lord, I am the servant of the Lord. So he, although he was spreading Krishna consciousness and everything he was doing, and he said that I am not the Lord, I am the servant of the Lord. And can we say like this? Yes, we can say like this. But his conviction, yes, we can say like this, but he was going as a servant of Krishna only everywhere, or as Guru Maharaj. Yes, this is correct. He can say like this. He always did it. He always glorified Guru Maharaj. और यहाँ पर मोहित प्रभु ने लिखा, I think मोहित प्रभु या नेहा माता जी ने, कि when Brahma glorifies Krishna, when Brahma interferes in his past times. No, because Brahma का तो उल्टा example है, because he was trying to use, his potency to bewilder Krishna, but he realized he himself got bewildered, like that. Then Sangeeta माता जी saying, even Tulsidas says that Ramayana is written by Lord Ram only. He is just a fool. Okay. Yes, Mataji. I have not read it, but yes, it's written like this. Yes. So, or take an example, bada, jo bada ubhar ke aata hai main Bhagavad Gita mein is Arjun ka. Aur aap log agar Bhagavatam padhenge, Bhagavatam ke pehle skand ke andar hi aata hai ki kaise जब वो भगवान अपने धाम चले जाते हैं और उस वक्त जब जो उनका लेमेंटेशन है अर्जुन का वो बहुत सुंदर है, उसको पढ़िए, बहुत सुंदर लेमेंटेशन है। और बोलते हैं कि कैसे एक एक चीज याद करते हैं, जबकि वो कृष्ण से मिले भी नहीं थे जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। वो बोलते हैं वो जो मैंने तीर चलाया था, वो जो तीर मछली की आंख में लगा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ कृष्ण, वो जो मैं यहाँ गया था, वो मुझे मैंने शिव जी से फाइट की थी और मैं मुझे उनसे आशीर्वाद हुआ बिकॉज ऑफ कृष्ण, बिकॉज मैंने ऐसे किया और मुझे ऐसे हुआ बिकॉज ऑफ कृष्णा, बिकॉज मैंने वहां उनसे युद्ध किया और युद्ध में सब इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे जायंट्स देवर एंड देवर आई कुड डिफीट देम बिकॉज ऑफ कृष्णा। तो पूरे पूरे श्लोक बोलते हैं ऐसे ग्लोरीफाई करते हुए कि he says कि he is gone and I'll by potency is also gone because whatever I was doing, it is because of Krishna, like this. So तो हम बहुत हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी प्रसंग बहुत सुंदर है वो भागवतम में, पहले स्कंद में ही आता है, कितना ग्लोरीफाई करते हैं अर्जुन और यही बोलते हैं रोते रोते रो रहे हैं और बोल रहे हैं युधिष्ठिर को कि वो जो हुआ था वो कृष्ण की वजह से, वो जो हुआ था वो कृष्ण की वजह से, वो जो हुआ वो कृष्ण की वजह से, लाइक दिस। शुरू से अंत तक अपनी जो सारी जो भी उन्होंने कार्य किए लौकिक, ही अंडरस्टैंड्स, हैज फुल कन्विक्शन, इट वाज नॉट माइन, it was Krishna's mercy.
Yes, Saurabh Prabhu. So Prabhuji, on a similar line, then in Ramayana, so when Lord Ram and Parshuram meets, so then that time during that exchange, then when Lord Ram takes the bow, and then so then Parshuram, he loses his all the power and potency, and then he understood that now he is my Supreme Lord and he has come and my purpose is fulfilled. So can this be taken? Yes, but again you see the mood is different because here Lord has taken something. Yes, you know, he rises get taken, but he has taken something away from him. We are saying he has given something to the devotee and he is saying is this. छीनने का तो सारे ही समझ सकते हैं रोजी छीन मेरे से छीन लिया गया भगवान ने छीन लिया यू अंडरस्टैंड वी कैन ऑल इफ अगर हमें कोई नहीं मिलता है ब्लेम करने के लिए तो हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं व्हाई मी व्हाई डिड लाइक दिस और लाइक दैट सो वी अंडरस्टूड इन दैट मैनर बट द मूड इज डिफरेंट यू नो सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट यू नो ओके और कौन है हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण जब रामायण के अंदर जब राम सेतु जो बना रहे थे सारे वानर सेना बना रही थी तो हनुमान जी पत्थर के ऊपर जो नाम लिख रहे थे वो भगवान का राम नाम लिख के उसको दे रहे थे सभी को तो वो पत्थर तैर रहे थे तो उन्होंने वो चीज अपने ऊपर नहीं ली कि मैं ये कर रहा हूँ उन्होंने भगवान को ग्लोरीफाई करा कि ये सब जो हो रहा है भगवान की वजह से हो रहा है इज इट राइट हां यस रोजी यू कैन टेक दिस कि जो शक्ति है वो भगवान के नाम के नाम में है और बट उसका जो दो हमें नाम भूल गया वो कौन थे जो दो जिनको जब वो वरुण जब वो आते हैं सागर से तो ना क्या नाम है उनका दोनों का नील अशोक प्रभु कुछ और है आपके पास एग्जाम्पल हरे कृष्ण प्रभु एक सिमिलर एग्जाम्पल मन माइंड में आ रहा है जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिलते हैं हरे कृष्ण प्रभु सुन पा रहे हरे कृष्ण मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ रॉनी प्रभु कैन यू हियर यस प्रभु जी बोलिए शुभ हाँ रॉनी प्रभु जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिलते हैं तो वो उनसे कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने उनको टीच करते हैं तो वो कह रहे तुम जो भी आंसर दे रहे हो गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी कहते हो कि आप बिल्कुल सही दे रहे हो बट वो गोस्वामी जी कहते हैं सनातन गोस्वामी जी की मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा जैसे आप अंदर से बुलवा रहे हो मैं तो वही का वही बोलता जा रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं आता बस आप ही अंदर से जैसे फायर कर रहे हो या बुलवा रहे हो वैसे ही आंसर देता जा मुझे इसका फुल नहीं मालूम बट दिस इज मतलब समरी आई राइट समरी व्हाट डिड ही से आई थिंक प्रभु ही सेड दैट बिटवीन सनातन गोस्वामी एंड चैतन्य महाप्रभु दैट व्हेन चैतन्य महाप्रभु आस्क्स अबाउट समथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेज दैट एंड ही गिव्स सम आंसर्स And then Sanatana Goswami says that I am not saying it is you who are within me yes. who are. Yes, yes. ये सारे examples चतुर महाप्रभु के इतने सारे हैं. Thank you, Shiva Prabhu. जब रामानंद राय के साथ ऐसे जब समाध है रामानंद राय के साथ वो बोलते हैं और बताइए इसके आगे और बताइए तो रामानंद राय बोलते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम पर ये आप ही मेरे जीवन से बुलवा रहे हैं इसी तरह से हरिदास ठाकुर के साथ सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल है मैं इसी वेट कर रहा था कि कौन बताएगा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है वो चैतन्य महाप्रभु के साथ है क्योंकि he played this game with many of his close disciples you know or devotees disciples क्या कह सकते हैं his associates he played this game and all of them they realize what is happening कि ये जो भगवान है ये अपने ही योग माया से हमारे हमारे थ्रू बुलवा रहे हैं like this yes thank you so much Ashok Prabhu yes Amit Prabhu Hare Krishna Prabhuji, it is little different when you are going door to door for DYP registration. At that time, Gaur Prabhu said that from every street we will get on one registration because it is Mahaprabhu's mission. We are in Mahaprabhu's mission, and he said that from each and every village there will be somebody. So he said that you do not worry; there will be at least one registration from every road.
Yes, so that is his faith and conviction, Prabhuji. That is his faith and conviction. जो हम पढ़ रहे थे अभी पहले हमने पढ़ा कैसे कि प्रभुपाद conviction and drove him. So it is his conviction that Shraddha ki yes it is Mahaprabhu's mission like that. But it is not right application for जो हम ढूंढ रहे हैं. But rather it is a application of his conviction and faith in Mahaprabhu's words. So faith moves mountains. So like that we had 60 restrictions because of Gaurav Prabhu's faith and conviction like this. और एक यहाँ चैट पे लिखा है शिवानी माताजी ने प्रभु जी एग्जांपल ऑफ नारद मुनि ही ऑलवेज डेडिकेटेड एवरीथिंग टू कृष्णा सो यू हैव टू गिव मी अ पर्टिकुलर इंस्टेंस माताजी व्हाट वी आर लुकिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस तो ये हम अभी 8:30 बज गए हैं 8:35 हो गए हैं ये हम अगले हफ्ते का होमवर्क देते हैं तो अगले हफ्ते आप सोच के आइए कि कौन से ऐसे और डिवोटीज थे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए कुछ और ढूंढ के आइए गूगल सर्च करिए वेदाबेस पढ़िए कि और कौन से एग्जाम्पल हम कर सकते हैं जहां पर डिवोटीज डिड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और उन्होंने जब उनकी बारी आई सो दे ग्लोरीफाइड एवरीथिंग टू कृष्णा इट इज एवरीथिंग टू हिम तो ये जो है ये अगले जो हमारी जो फ्राइडे क्लास होगी लीलामृत की उस पर हम ये डिस्कस करेंगे पहले ठीक है सो इट इज ऑलरेडी 8:35 Yes, Saurabh Prabhu, you want to say something? Yeah, I got one example. Okay, go ahead. So, Prabhuji, Chaitanya Mahaprabhu, when he was going through Jharkhand forest, all the animals started dancing. So, that is clearly by mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Okay. Means yes. They are doing something very extraordinary, and yes, but it is not by their... But it is clear, right, Prabhuji? We can't do it from the animals, Hare Krishna Mahamantra, Jap. बट उन्होंने करा दिया बट जानवरों ने मतलब अगर वो जानवर कल को ये बोलते कि हाँ हम ये हमने नहीं किया है ये चैतन्य महाप्रभु ने कराया फिर तो एग्जांपल ठीक था बट दिस वन एग्जांपल ना बट लॉर्ड इज मेकिंग अदर्स पीपल डू वो तो इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो ओके लाइक दैट यस नेहा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी वन एग्जांपल इज कमिंग इन माय माइंड बट आई कांट रिलेट इट टू द एग्जैक्ट whether it is the exact answer Adi Shankaracharya has glorified Supreme Lord many times so would we consider that also to be like some kind of like I don't know can you explain yeah. Prabhuji Hare Krishna mujhe samajh mein nahi aaya mata ji aapne itna tez bola Rani Prabhu what did she say I couldn't understand anything what is the example mata ji I could only hear Shankaracharya Yes, Hare Krishna Prabhuji. I was thinking about Adi Shankaracharya's glorification of the Supreme Lord. So would that also come in like, no? Okay. No, because Shankaracharya, he didn't attribute only, he did it indirectly, Mataji. Because he came to propagate the theory of Mayavad. So rather, he did the opposite, Mataji. He told as, because yehi unka जो रोल था इन दैट पीरियड ऑफ टाइम वाज टू ब्रिंग द मायावाद फिलॉसफी टू डिफीट बुद्धिज्म एंड टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ वेदास सो ही डिड दैट ही नेवर ग्लोरीफाइड ही ग्लोरीफाइड इनडायरेक्टली लाइक ही सेड नारायण इज सुप्रीम लाइक दैट इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेवर ही जस्ट सेड दैट वी आर ऑल ब्रह्मन एंड वी हैव टू मर्ज एवरीथिंग इन ब्रह्मन सो दैट इज नॉट राइट सो अगली बार सोच के आइएगा कौन से एग्जाम्पल है we'll let us hear a few examples and so we will do it next week this exercise okay. So we will meet tomorrow afternoon now Krishna willing we'll have Prithivedan Maharaj Harinam Chintamani so tomorrow 12 o'clock we'll meet so thank you so very much we'll end the class Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कार्य जगत गुरु शिव प्रभाव की जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी थैंक यू सो मच हरे कृष्ण